चलो हेलो दोस्तों, दादी माँ का क्रेडिट गार्डन इसमें गिनते हैं आज कितने कितने पौधे हैं। आपने गार्डन बना रखा है या जंगल बना रखा है? ये जंगल नहीं है, गार्डन ही है, घर में गार्डन है। ये देखो सीढ़ियों पे भी गार्डन है, और हाँ, हमने टाइल्स एक में, छोटी वॉटर्स सी वगैरह में भी लगा रखा है ना। वेस्ट बोतल में भी मनी प्लांट उगाया हुआ है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की कमी दोस्तों आप सभी को कोरोना ने बता दी थी, इसीलिए मैं क्या बताऊं, नेचर के साथ जुड़िए और आइए दादी माँ का गार्डन का टूर अन्नू के साथ। गिनते हैं कि अन्नू की दादी माँ के गार्डन में कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और क्या क्या लगा हुआ है। ट्रैक्टर को सही कराओ आप, टूट गया ये। हाँ जी, इसके टायर पिंचर हो गए थे दोनों, इसीलिए टायर बदलने के लिए दिए हुए हैं, पिंचर के लिए गए हुए हैं। ये दादी माँ के गार्डन में काम आते हैं। और आज देखो अन्नू जी झाड़ू लगा रही है दादी माँ के साथ। आज गार्डन में हमने बहुत सारे खरपतवार निकाले थे, नलाई वगैरह करी थी। ये देखो खरपतवार, इसमें वैसे बहुत सुंदर फूल भी आते हैं और खट्टे खट्टे पत्ते भी लगते हैं। ये इधर भी बहुत सारी है। ये देखो ये इसमें फूल भी आते हैं। और अच्छा, ये वो पेड़ है ना? हाँ, इसकी खटाई के पत्ते खाते थे ना बचपन में, हाँ, तोड़ तोड़ समझ के में आ खट्टे खट्टे। गई। और इसमें पर्पल कलर के फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। और ये दोस्त रहने दो, अभी फेंक के जाओ। नहीं, बहुत गमलों में लगी हुई है, पर बाकी सब में ही हो जाती है तो उखाड़नी तो पड़ती ही है। ये देखो मैंने मिर्ची की पौध भी तैयार की हुई है, ये हरी मिर्ची की पौध। और इधर अभी ये शिमला मिर्च की, लाल और पीली शिमला मिर्च की पौध तैयार हो रही है। ये छोटी छोटी सी पौध है। अनु झाड़ू लगा रही है। और टमाटर के पेड़ भी हमने ख़त्म कर दिए, बहुत टमाटर खाए ये। और सभी खरपतवार निकाली। और ये मर्सिडीज घुन्नू की है, गैर सैनी की है। चाकू वक्कू इस पे गमला रखा है, सीढ़ी हटा के गमला वहीं रखेंगे। ये हमने बेल बांधी थी आज ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के लहसुनिया की, जिससे कि इसमें सर्दियों में फूल आते हैं पर्पल कलर के, और ये ऊपर चल सके मेरी इस तार के साथ साथ, इसलिए हमने आज इसमें रस्सी भी बांध दी है और सफाई भी कर रहे हैं। दोस्तों देखो, हमने टोकरी लगाई थी, टोकरी में ये फूल खिलने लगे हैं। इसमें पीले और गाजरी कलर के खिले हैं, और इस वाली में गाजरी और पीले, इसमें भी इस वाली में केवल एक गाजरी खिला है, और इस वाली टोकरी में पर्पल कलर के खिले हैं। ये देखो इसमें पर्पल, गाजरी, पीला, कई कलर के खिले हैं, और इसमें भी पीला, क्योंकि हमने सभी कलर के सभी में लगाए थे। इस वाली टोकरी में देखो सफ़ेद और लाल जामुनी तीन कलर के हैं। इधर देखो हमने तोरी वो उगाई थी, ये तोरी, और खीरा जमने लगा है। इधर टोकरी में भी कैरेट में हमने खीरा और तोरी बोई थी, ये भी उगने लगी है। खीरा एक सेम का पौधा बीज बोया था, ये सेम का बीज भी। इसमें देखो हमने भिंडी बोई थी, सारी भिंडी जमने होने लगी है ये। और ये हमारे टमाटर की पौध, अगले टमाटर की पौध तैयार हो गई है। और आज ये जितने भी मोती के फूल हमने हार्वेस्ट कर लिए थे, सभी की ट्रिमिंग कर दी है। ये ऐसे जहाँ से हमने फूल तोड़े थे, इसकी ट्रिमिंग कर दोगे तो यहीं से नई ब्रांच और नई डोरियाँ निकल के आएंगी। ये सॉफ्ट ट्रिमिंग को बोलते हैं इसको, कि सॉफ्ट ट्रिमिंग, जहाँ से भी हमने ये पौधे फूल हार्वेस्ट किए थे वहीं से ये सॉफ्ट ट्रिमिंग कर दी है इसकी, जिससे इधर दोस्तों हमने हल्दी उगाई थी, ये देखो मेरी सारी हल्दी जर्मिनेट होने लगी है। इधर ये भी कॉलियस है, कितना सुंदर कलर इसका अपने आप में है, और ये देखो कैसे फैली हुई है। और इसकी ऊपर से सॉफ्ट ट्रिमिंग करते रहो, ये जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ, जितना आप ऊपर से दो पत्तियाँ सॉफ्ट ट्रिमिंग करोगे उतनी ही ये आप ये लिली की एक उत्तर एक पूर्व, दोनों
दिशा में डायरेक्शन करते हुए ये चार फूल खिलते हैं। एक फूल में जब भी खिलते हैं ये कितने सुंदर पत्ते हैं अपने आप में बोलते हैं। और ये हमारे बुद्धा जी के अंदर बैठे हुए हैं, शांति का प्रतीक है बुद्धा जी। और हमने